पश्चिम बंगाल में भी कोरोना ने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। राज्य में एक दिन में 18,000 से अधिक मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,802 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 8,112 लोग डिस्चार्ज हुए और 19 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में कुल सक्रिय मामले 62,055 है, जबकि मौत का आंकड़ा 19,883 पहुँच गया है। पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट 29.6% पर पहुँच गई है। राज्य में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ममता सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बंगाल में फिलहाल सैलून और ब्यूटी पार्लर सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही चल सकेंगे। यहां काम करने वाले कर्मचारी और कस्टमर के लिए फुल वैक्सीनेट होना जरूरी कर दिया गया है। यूपी में कोरोना के हालात कुछ अलग नहीं है। यूपी में भी 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फिर तेजी से बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 6,411 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले नोएडा में 1,141 नए केस मिले हैं। लखनऊ में 876, गाजियाबाद में 681, मेरठ में 636 और वाराणसी में कोरोना के 337 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 1,560 नए मामले पाए गए हैं। कल 260 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उत्तराखंड में अभी 3,254 एक्टिव केस है। यूपी में ओमिक्रॉन वेरियंट की बात करें तो राज्य में इसके 25 एक्टिव केस हैं, जबकि 6 ओमिक्रॉन से ठीक हो चुके हैं। बिहार में भी कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है। बिहार में एक दिन में 4,500 से अधिक मामले सामने आए। बिहार की राजधानी पटना कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर कहीं ज्यादा तेज है। पटना के RMRI रिसर्च सेंटर में कोरोना का विस्फोट हुआ है। रिसर्च सेंटर के 14 वैज्ञानिक समेत 10 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना में कोरोना के 1,956 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पूरे बिहार में 4,526 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,311 हो गई है। इस बीच राहत की बात यह है कि बिहार में ओमिक्रॉन वेरियंट का ज्यादा प्रभाव नहीं है। राज्य में ओमिक्रॉन के एकमात्र एक्टिव केस। देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पंजाब और हरियाणा दोनों जगहों पर 3,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पंजाब और हरियाणा में कोरोना के नए आंकड़े डराने लगे हैं। पंजाब में 24 घंटे में 3,643 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा पटियाला में 840 नए केस रिकॉर्ड किए गए। फिलहाल पंजाब में 12,614 एक्टिव केस हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 3,541 लोगों में संक्रमण मिला है। गुरुग्राम में 1,450, फरीदाबाद में 480 और पंचकुला में 415 नए केस मिले हैं, जबकि 2 लोगों की वायरस से जान चली गई है। हरियाणा में अभी 13,937 एक्टिव केस हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 100 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में अब 23 ओमिक्रॉन के मरीज बचे हैं। वहीं पंजाब में ओमिक्रॉन के 2 एक्टिव केस हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।